केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा विकास और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, पर धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। दावों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जम्मू संभाग स्विट्जरलैंड बन गया है पर्यटन के लिहाज से, परंतु अफसोस एक एक कार्य को करने में प्रशासनिक अधिकारी सालों लगा देते हैं। चाहे मानसर हो, सुनीसर हो, अखनूर का ऐतिहासिक जियापोटा हो, मुबारक मंडी हो, भद्रवा का जाई और न जाने कितने ऐसे स्थान हैं जहां पर्यटक जाकर मायूस हो जाते हैं। सुविधाओं का बहुत ज्यादा अभाव है। प्रशासन द्वारा बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम कराकर लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं, परंतु मूलभूत सुविधाओं की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। ऐसा ही एक स्थान है पांडव गुफा क्रिमची में, जहां सिर्फ 1 किलोमीटर लिंक रोड की हालत बहुत खराब और दयनीय है। कोई सड़क बनी ही नहीं। क्रिमची टेम्पल्स के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं, यहां तक कि स्थानीय लोगों को भी नहीं पता। हैरानी तो होती है इन पर्यटन स्थलों पर समयबद्ध तरीके से विकास क्यों नहीं होता, यहां तक कि स्थानीय लोगों को भी नहीं पता। हैरानी होती है कि इन पर्यटन स्थलों पर समयबद्ध तरीके से विकास क्यों नहीं होता। पर्यटन विभाग किस खुशफहमी में जी रहा है, जब आप सिर्फ वादों घोषणाओं का सहारा लेकर पर्यटकों को आकर्षित करने में जुटे हैं। सड़कों की हालत देखिए, पर्यटन स्थलों पर कर्मचारियों का व्यवहार देखिए, जैसे इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। उम्मीद करते हैं उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा से कि वो खुद संज्ञान लेंगे और पर्यटन स्थलों के विकास कार्य समयबद्ध तरीके से करवा कर अधिकारियों को अकाउंटेबल बनाएंगे, तभी पर्यटक जम्मू के स्थानों का रुख करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।